हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। सरकार के खेती किसानी से जुड़े तीन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया। किसान इन अध्यादेशों को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान नहीं फायदा ही होगा। इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा या नुकसान, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश एक तरफ 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। प्रदेश में कई जगहों पर किसानों ने सरकार की तरफ से लाए गए तीन अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ तीन अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसमें किसानों का कहना है कि इन अध्यादेशों से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि आढ़तियों को भी इससे नुकसान होगा। किसानों ने तहसील और डीसी ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्योंकि हरियाणा पंजाब में चौधरी छोटराम ने मंडी व्यवस्था की थी, जो अब सरकार तोड़ने जा रही है, स्टॉक खोल दिया, भाई को कितना स्टॉक करो उस वो भी खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि दो ही आदमी पूरा अनाज लेंगे और वो मनमर्जी के भाव से खरीदेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट खेती है जो विदेशी कंपनी अमेरिका जैसे देश यहाँ के खेती करेंगे, उनका क्वालिटी का और जो मार्केटिंग का आम किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसलिए तीनों अध्यादेश किसान के और मजदूर के और सबके लिए खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के नए अध्यादेश में है कि व्यापारी फसल को मंडी के बाहर भी खरीद सकते हैं, जिससे आढ़ती और किसानों को नुकसान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद बंद करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि अगर देखा जाए तो आज भी किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद किसान किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि सरकार ने एमएसपी पर खरीद को बंद कर दिया तो खेती किसान के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं, आम जनता का उसमें बिल्कुल शोषण हो जाएगा, जनता बिल्कुल परेशान हो जाएगी। जो सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है, मंडियों को खत्म करने जारी है, और जो मंडियों को खत्म करने पर ये अडानी और अंबानी सिर्फ दो चार ही ऐसे आदमी होंगे जो किसान का अनाज खरीदेंगे। कभी तो नमी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, मनचाहे रेट में किसान की फसल खरीद रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इनकी मांग नहीं मानती और अध्यादेश वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में किसान बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अध्यादेश पर घमासान क्यों है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। आज एक दो नहीं, ये तीन अध्यादेश हैं। सरकार कह रही है कि किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन किसान इससे नुकसान का अंदेशा जताकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्होंने मोर्चा ही खोल दिया है। खेती किसानी से जुड़े ये तीन अध्यादेश सरकार लेकर आई, प्रदेश के किसानों ने जिसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुस्सा किस तौर है। किसान इन अध्यादेशों को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं, कहीं कोई फायदा हो ही नहीं रहा ये बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि इससे किसानों को नुकसान बिल्कुल नहीं, फायदा ही होगा। इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा या नुकसान, आज हम इसी पर बात करेंगे। हालांकि सरकार के इस दलील को भी किसानों ने नकार दिया कि इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसे वापस ले सरकार, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल सड़कों पर किसान उतर चुके हैं, अन्नदाता के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्होंने सरकार को यह चेता दिया है कि अगर इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो आखिर अध्यादेश पर यह घमासान क्यों है, आइए ये समझने के लिए हमारे पैनल की तरफ रुख करते हैं। मिलवाती हूँ हमारे पैनलिस्ट से, सोमवीर आर्य है, राजनीतिक विश्लेषक। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुखबीर तवर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। तवर साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। खटाना साहब, बहुत स्वागत है आपका। अतर सिंह संधू,
प्रवक्ता भाकियू हमारे साथ हैं। संधु साहब आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अजय गुलिया जी जुड़ गए हैं, ये सीधे जुड़े हैं, प्रवक्ता जेजेपी। गुलिया साहब बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी, एक एक कर मैं सभी के पास आऊंगी। अजय गुलिया, ये जो तीन नए अध्यादेश आए हैं जिसका विरोध कर रहे हैं किसान, ये विरोध क्यों? देखिए अनामिका जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दी कि हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों के हक के लिए खड़ी है और वो लगातार प्रयासरत है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। क्योंकि इस प्रकार के भ्रमित प्रचार किए जा रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी। ये लोग तो कोरोना काल के अंदर भी कहते थे कि मंडियां कैसे लगाएगी सरकार, और सरकार ने नई पैसों के लगभग मंडियां बना करके खरीद करवाई, तो इनको किस बात की आपत्ति है? सरकार फिर दोबारा से एक बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसानों के भाइयों के बीच में जो ये बात कही जा रही है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, ये सारी बातें भ्रामक है। बल्कि मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आगे जा करके लगभग आगामी फसल के लिए लगभग 1800 नई मंडियां और उपलब्ध होंगी किसानों के पास, ताकि वो अपनी फसल को आसानी से बेच सकें। और जिस प्रकार से पहले बिना किसी लाग लपेट के किसानों को अपनी फसल का दाम मिला था, उसी प्रकार से किसानों को अपनी फसल का दाम भी मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अध्यादेश से नुकसान होगा? नहीं अनामिका जी, मैं उसी बात क्या देखिए, पहले जब कोरोना काल के अंदर ये सारी बातें हुई थी तभी जोर शोर से कह रहा था कि किसानों की फसल का क्या होगा। सरकार ने हरियाणा प्रदेश के आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी लगातार प्रयासरत हैं कि इस प्रकार की योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जाए ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब गेहूं की फसल की खरीद की बात थी, सभी ये विपक्षी लोग कुछ किसान भाइयों को बहका करके ये कहने में व्यस्त थे कि किसानों का अब क्या होगा। ये सबके सामने है, मेरे कहने की बात नहीं है, ये सबके सामने है कि किस प्रकार से किसान की गेहूं की फसल की खरीद सरकार ने किस सुचारू रूप से करी। इसी बात के लिए को आगे और फर्दर आगे ले जा करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज विरोधी के लोग बेशक कितना ही किसान भाइयों को बरगलाएं, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से सरकार का प्रवक्ता होने के नाते, जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते चीज क्या देना चाहता हूँ कि किसान को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करने का कैसे कैसे चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि विपक्षी और विरोधी बरगला रहे हैं किसानों को, लेकिन नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बात जो आप कह रहे हैं कैसे? ये अगर विपक्षी या विरोधी बरगला रहे, जैसा कि आपने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ठीक, तो आप समझा दीजिए किसानों को कि कैसे फायदेमंद है अध्यादेश। जैसे पीछे गेहूं की फसल के दौरान भी ये सारी बात से काम नहीं है, गेहूं पे ही रहना गुलिया साहब, अध्यादेश पे बात मत करना, गेहूं पे ही लगे रहो, अध्यादेश पे बात मत करो। आ रही हूँ मैं तवर साहब आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए। आप किसान विरोधी हैं? नहीं नहीं, अरे आप जब से गेहूं मंडी, अरे अध्यादेश के बारे में आप कह रहे, आपकी पार्टी के, आपके सरकार के क्या विचार हैं जो केंद्र सरकार लाई है उस पे बात करो, क्यों समय व्यर्थ करते हो? सरकार अजय गुड़िया और सुखबीर तंवर को खुश करने के लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं है, ये सरकार किस हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसानों के हिसाब से ये अध्यादेश तो केंद्र की सरकार लाई है, कहाँ पर हरियाणा सरकार में चल रही इतनी देर से, केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है उस पे आप अपना विचार नहीं रख रहे हो, गलत है कि ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हो। तंवर साहब बोल लेने दीजिए, ठीक है बुलिया साहब। नहीं देखिए अनामिका जी, मैंने जैसे पिछली बार सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होगी, हुई क्या? नहीं हुई। सभी किसान खुश थे कि इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई, और जबकि सभी आशंकित थे, स्वयं मैं खुद भी, कि इस महामारी के दौरान सरकार कितने इफेक्टिव मेजर। चलिए ठीक है, तो इस वक्त क्यों घमासान हो रहा है, अभी किसानों की क्या नाराजगी है जान लेता। अतर सिंह संधू, इन तीन नए अध्यादेशों को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, क्यों नुकसान दे लग रहा है? जी इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश के किसान को उम्मीद थी
भाई जो सरकार नई पॉलिसी लेकर आई हमें इससे फायदा होगा। हाँ। लेकिन किसान को भरोसा ही नहीं हो रहा, क्योंकि अभी देख ले बिहार में मक्का 600 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जो यहाँ के व्यापारी 1200 रुपए क्विंटल बेच रहा है, तो जब MSP फिक्स ही नहीं होगा तो किसानों कैसे विश्वास होगा मेरी फसल का क्या रेट मिलेगा। जी। तो इसलिए सरकार को संतुष्टि सरकार MSP फिक्स करे ताकि किसान को नुकसान ना हो। जब हर चीज का आप रेट फिक्स कर दिया आपने, उसके बाद सरकार कुछ भी करे, हमारे ये मांग है सरकार MSP फिक्स कर दे हर फसल का हमारा, उसके बाद सरकार जो पॉलिसी लेगा हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए तैयार है। इसमें क्या होगा, जब जो उद्योगपति है उद्योगपति किसानों से अपने मर्जी के भाव लेगा, क्योंकि किसान अपनी फसल को नहीं रख सकता, उसके पास जगह नहीं रखने की, ना गोदाम है ना वेयर हाउसेज है, तो उस किसान को अपनी फसल उठानी है तुरंत उसको मार्केट में बेचनी है। व्यापारी कहेगा मैं तो इस भाव लूंगा, मर्जी दो मर्जी ना दो। तो इसलिए सरकार को किसानों के हित में ये सोचना चाहिए, MSP के रेट फिक्स करे और ताकि किसान को फायदा हो। सरकार किसान पिछले कितने सालों से रो रहा है, बीजेपी से गुहार लगा रहा है, भाई हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, C2 के आधार पर हमें जो आपने डबल देने की बात की थी वो हमारा फिक्स करो। सरकार उस पर ना जाके एक नई पॉलिसी ले आई उद्योगपति को खुश करने के लिए, इससे पूरी तरह सरकार जो किसान है हमारे देश का पूरी तरह नाराज है। और हम 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिवस पर इस सरकार को बता देंगे भाई सरकार के किसान कितनी ताकत है। 25 तारीख को हमारे जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं बल्लू प्रधान, वो एक मीटिंग रख रहे हैं, और 2 अक्टूबर को दिल्ली में लाखों किसान इकट्ठा होंगे और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, क्योंकि किसान के हालात जिस जो उम्मीद थी बीजेपी सरकार से, जो बीजेपी मोदी सरकार से उम्मीद लेकर के आएगी उस पर करी नहीं उतर रही है। पूरे देश का किसान और प्रदेश का किसान पूरी तरह से त्राहिताही कर चुका है। गुलिया साहब तो अभी कह रहे थे कि कभी किसान को देखिए, गुलिया साहब मैं भी पार्टी में, लेकिन मैं सरकार की भाषा नहीं बोल सकता। हाँ। गुलिया साहब के क्या दबाव है गुलिया साहब बता सकते हैं, वो क्यों पार्टी के दबाव में बोल रहे हैं। किसान अगर असली किसान का कोई बेटा होगा तो उसका दर्द बिल्कुल सामने आएगा। सर पहले मैं किसान हूँ फिर मैं पार्टी का आदमी हूँ। अभी क्या चाहते हैं, MSP फिक्स कर दिया जाए, और MSP फिक्स कर दिया सब किसान का, और जो 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 स्वामीनाथन आयोग का जो इन्होंने वादा किया था C2 के आधार पर, जो उन्होंने कहा 2022 तक आय दुगनी करेंगे, वो अपना वादा निभाई सरकार, उसके बाद दूसरे अध्यादेश की बात करें। ठीक है गुलिया साहब, आप सुन रहे होंगे एक बार जरा मैं, चूंकि आपने ये कहा कि विपक्षी और विरोधी बरगरा, इसका भी आप क्या कोई विपक्षी कोई विरोधी दल आपके साथ है इस आपकी लड़ाई में? नहीं, हम तो किसान हैं, हम जो किसान हमारे साथ कोई भी स्वागत किसी दल ने स्वागत किया है अभी आपका समर्थन अभी, दिया है? नहीं, कोई दल ने स्वागत नहीं किया, हम तो एक जो किसान हैं, हमें हमारी कोई पार्टी नहीं, हम तो सरकार के साथ होते हैं। चलिए सुनते रहिएगा गुलिया साहब, लास्ट में आऊंगी। तवर साहब, अनामिका जी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, और किस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का 2014 में इनका चुनावी वायदा था, जो आज 6 साल से ज्यादा का भी समय हो गया, दोबारा भी सरकार बन गई लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के अतीत में जब जब भी सरकार रही है ये पूंजीपतियों की पोषक सरकार अनेक विषयों पर साबित हो चुका है, और जिस प्रकार से ये तीनों अध्यादेश पूंजीपतियों को पोषित करने वाले अध्यादेश हैं, और ये अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस होने चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम 2022 में किसान की आय को दुगुना करेंगे, इन अध्यादेशों से तो किसान 100% कंगाल होगा। जब उसका MSP फिक्स नहीं होगा, जब उसको सब पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ही सारी योजनाएं बनेंगी, तो फिर किसान कैसे खुशहाल होगा? ऐसी कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है कि किसानों को आप MSP फिक्स नहीं कर रहे हो? जो अभी अभी संधू साहब ने 600 और 1200 का मक्का का जिक्र किया, ये उसी वजह से तो है। ये निसंदेह पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, और ये अध्यादेश किसानों के हक में बिल्कुल नहीं है, अविलंब ये अध्यादेश वापस होने चाहिए। खटाना साहब आपकी क्या राय? देखिए मेरी क्या, पूरे देश की, और जैसे कि भाई ने बताया कि 70% से ज्यादा की आबादी आज कृषि के ऊपर डिपेंड है, कृषि प्रदेश हमारा हरियाणा है और कृषि को लेकर ही पूरा देश चलता है, और ये किसानों की मेहनत और खून पसीने की कमाई है कि वो वहाँ धरती माँ का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, और उसके बाद जब अन्न मंडियों में जाता है किस तरीके से उसकी दुर्दशा इस सरकार में हुई। ये सरकार जब से आई है, जब से ये एक बात मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज दोबारा कह रहा हूँ, अच्छा, और बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक किसान विरोधी सरकार है। अडानी और अंबानी के अलावा इस सरकार ने पिछले 6 साल में, चाहे वो किसानों को बीमा को लेकर हुआ हो, चाहे वो दूसरी बात को लेकर हुआ हो, और मेरे भाई जो बार बार विपक्ष विपक्ष करते हैं, जब धान के ऊपर जब अभी जब किसान धरने पर बैठे थे तो उस दिन भी ये कह रहे थे रात को 8 बजे तक कि ये विपक्ष है, लेकिन जब सरकार ने बात मानी और सरकार ने यू टर्न लिया
तो सुबह ये लोग कहते हैं कि वो किसान धरने पर थे, रात तक वो विपक्ष धरने पर था, आज भी वही बात है। हम यहाँ पर विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वास्तव में किसानों की दुर्दशा इस सरकार में इतनी खराब हो चुकी है, और जब किसान सड़कों पर है और आपने कितने किसानों से बात करी, और आज किसान अडानी और अंबानी का नाम ले रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष का नेता अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहा, वो किसान नाम ले रहा है जो वास्तव में धरातल पर होकर मेहनत करता है और अपनी फसल को ले आता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो ये बार बार किसान की आय को दोगुनी को लेकर बात करती थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करती थी। तो आज मेरा इनसे प्रश्न है कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट कब लागू होगी, किसान की आय दोगुनी कब होगी? अगर वास्तव में हरियाणा में अगर किसी ने अगर किसानों के बारे में सोचा है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सोचा गया है। और जब जो किसान खुशहाल था, आज अगर हम आंकड़ा भी उठा के देख लें, प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जो किसानों ने जितनी आत्महत्या इस बीजेपी की सरकार में करी है, इतना 70 साल में भी रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ। क्योंकि वास्तव में अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज किया, उसमें किसानों का कितना फायदा हुआ? एमएसपी को लेके बात कर लें, मेरे भाई बिहार की बात कर रहे थे कि 600 रुपए और लोग 1200 बेच रहे हैं, ये पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जितनी भी हमारी सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है, ये कहकर कि ये घाटे में है, और वो पूंजीपतियां उनको लेते ही फायदे में हो जाते हैं, तो वो सरकार उस चीज को फायदे में क्यों नहीं ला सकती? तो सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। ये तो आपने चलिए, एक आप विपक्ष में बैठे हैं, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन विपक्ष का और क्या धर्म है? अगर आपको लगता है कि नियत में खोट है या फिर इस अध्यादेश से किसानों को फायदा नहीं पहुंचेगा, तो इस अध्यादेश पर कांग्रेस क्या काम कर रही है? कुछ होमवर्क किया है सर आप लोगों ने? ये पूरा होमवर्क है। हाँ। इस अध्यादेश में किसानों का नुकसान होगा, हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। इसके साथ कैसे खड़े हैं? वो तो मैं भी कह दूं कि मैं किसान भाई के साथ खड़ी हूँ, लेकिन कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ किसान के लिए? सड़क से लेकर विधानसभा तक हम इस बिल का विरोध करेंगे। हाँ। इस बिल के बारे में अभी तक तो आप साथ गए नहीं, संधू साहब खुद कह रहे हैं कोई नहीं आया। संधू साहब जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने पार्टी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी के प्रवक्ता है सर, वो अपनी निजी सोच लेकर, चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा के हर कस्बे, हर कोने, हर चौराहे पर जब किसान के आत्मसम्मान की बात होगी, जब किसान का नुकसान ये सरकार करेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर शुरू होने जा रहा है, वहाँ बात रखेंगे क्या? सत्र शुरू होने वाला है सर, बात रखेंगे क्या जी? सत्र शुरू होने वाला है, बात रखेंगे वहाँ? बिल्कुल 100% किसान मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा। किसानों के लेकर मुद्दे को लेकर आज तक रहे हैं, पूंजीपति और उद्योगपतियों के दो चार घरानों को लेकर उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। सत्र में मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने दो चार पूंजीपतियों के लिए राजनीति कभी जीवन में नहीं करी। किसानों को मुद्दे को लेकर क्या बात कह रहे हैं? कहीं भी पीछे नहीं हटे। क्या 2 तारीख को कुछ उम्मीद? 2 तारीख को हम दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस पे कांग्रेस से कुछ उम्मीद है क्या आपको? 2 तारीख तो कह रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, सब पार्टी हमारा समर्थन करें। 2 तारीख को आज ये बोल रहे हैं, क्या करेंगे घटना भी करें, जो जाएगी कांग्रेस 2 तारीख को, अगर जेजेपी वाले वाकई किसान समर्थन जाएगी कांग्रेस 2 तारीख को। देखिए हरियाणा का जो किसान है, देश का किसान है, वो तो जाएगा। हाँ। और पार्टी लेवल पर जो भी अध्यादेश लाए हैं, इसमें क्या अमेंडमेंट आनी चाहिए, किसानों के फायदे के लिए क्या बात होनी चाहिए, वो रूपरेखा तैयार। तो पार्टी लेवल पर बात करेंगे उसके बाद, है ना? अभी केवल विरोध कर रहे हैं, है ना? नहीं, विरोध तो जो इन्होंने गलत अध्यादेश ला रहे हैं, जिसमें कोई एमएसपी फिक्स नहीं है, जिसमें पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है, उद्योगपतियां सीधे किसानों के, एक मेरी एक छोटी सी बात है, उद्योगपति वाली बात दो बार आ गई है गुलिया साहब। संधू साहब ने भी कहा कि आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हो, और एक खटाना साहब ने भी कहा, ठीक नहीं, उससे पहले एक किसान ने अडानी अंबानी का नाम लिया। अच्छा, उससे हाँ। पहले आपके आपके बिल्कुल रिपोर्ट में भी, क्योंकि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है, किसान के पास इतना समय नहीं होता कि उस फसल को रोक के, क्योंकि किसान ने जो 4 महीने में 6 महीने में जो किसी से कर्जा लिया होता है, बैंक से लोन लिया होता है, किसी से उधार लिया होता है, ना तो उसको रखने के बाद जगह होती है, ना कोई स्टोरेज की व्यवस्था होती है, ना वो उस फसल को रख सकता है। हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से अपनी फसल को बेचूं, पैसे आए, जिसका मैंने कर्जा देना है उसका कर्जा दूं, अपने बच्चों की फीस भरूं, कोई अपनी शादी बच्चों की शादी में लगाएं, या अपना मकान बनाएं, या छोटे मोटे अपने कोई काम करें। बिल्कुल। हाँ। तो उस समय आदमी वो रुक नहीं पाता, और उसी समय का ये सरकार फायदा उठाना चाहती है कि जब किसान की फसल तैयार होगी और पूंजीपति जब पैसे लेके बैठेंगे, जैसे
अंग्रेजों के टाइम में लाला जी हुआ करते थे, जैसे जमींदार हुआ करते थे कि ठीक है जी आप साइन करो, अंगूठा लगाओ और ले जाओ, तो ये वही काला कानून दोबारा लाने के चक्कर में है। स्वामी रहे, इस घमासान को आप समझ पा रहे हैं अध्यादेश क्या है और घमासान थोड़ा दर्शक न समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या लेकर आ गई है केंद्र सरकार की उग्र प्रदर्शन तक की चेतावनी दिन तारीख तक मुकर्रर कर दिए गए हैं बाकियों की तरफ से कि 2 अक्टूबर को हल्ला बोल देंगे। जी अनामिका, सबसे पहले देखते हैं इसका नेचर क्या, बेस क्या है इसका। हाँ। देखिए हम जब से थोड़ा सा और संभाला, सुनने में थोड़ी समझ हुई है, उस टाइम जितने भी किसान थे, चोरी कुंभारा हमारी राजस्थान से आते थे, चोरी चरण सिंह थे, चोरी देवीलाल हैं, महाराष्ट्र है शरद जोशी जी आते थे, मध्य प्रदेश से पंडित जी आते थे, और गुरु नाम सिंह जी सरदार जी आते थे पंजाब से, तो जितने भी लोग थे ये एक ही भाषण देते थे कि ये वो ये कहते थे कि कोई भी अगर सुई से लेकर जहाज तक कोई चीज बनती है या कोई साबुन तेल कंगा शीशा बनता, उसकी एक MSP होती है, वो खुद तय करता, जो प्रोड्यूस करता, जो प्रोडक्ट बनाता है। हाँ। वो अपना बताता है इतना खर्चा मेरा हुआ, इतना सब काट के, इतने करके, इतना मेरा यातायात का ट्रांसपोर्टेशन करके, वो जितना भी होता है वो उसको करके बताता और उससे MSP बनती है। तो एक हमारे साथ बड़ी त्रासदी थी, बड़ी ट्रेजडी थी किसान के साथ कि हम अपने ही सामान को हम प्रोडक्ट करें, हम करें, हमें ये मौका नहीं था। अब ये सरकार ये अध्यादेश लेके आई है, देखने में सुनने में सैद्धांतिक एक बहुत बड़ी चीज है, चोरी देवीलाल चोरी जो हमारे जो किसान नेता थे उनका सपना पूरा किया है, देखने सुनने में सिर्फ मैं आगे कह रहा था कहना चाह रहा हूँ। और अब भी जितने भी हमारे किसान नेता हैं, चोरी अतर सिंह संधु जी बैठे हैं, अशोक मलिक जी मदीना है, सुरेंद्र जी हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो सुबेसी सिमेन है पंजाब से हैं, हर तरह से जो दूसरी युग के जो नेता हैं, जो आज के नेता हैं, ये भी इसी बात को दोहराते आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस किताब इसको इस ऑर्डिनेंस को पढ़ें और ये देखें कि किसान को अपनी खरीद की अपने खुद की मार्केट का खुद को फिक्स कर दिया, देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। इसके हिसाब से क्या होगा कि एक तो ये जो हमारी AMPC है, जो ये मार्केटिंग कमेटी का जो एक्ट है, ये हमें आज किसानों को आज तक बहुत लूटता आया, उसके साथ उनकी मिली भगत गवर्नमेंट का व्यवस्था होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट वो और एक एक्ट और एक ये जो आड़ती बड़े लूटते थे, तो इस एक्ट के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन किया गया। तीसरी बात जो इसमें है वो ये है कि इससे पेड़ छूट जाएगा तो जो मार्केटिंग कमेटी के टैक्सेस है वो नहीं लगेंगे और दूसरे टैक्सेस लगेंगे, और जो भी किसान अपना उपज लेके जाता है जिस आदमी के पास पैन कार्ड होगा वो उससे खरीद सकता है और उसको बेच सकता है, वो कंपनी हो, संस्था हो, चाहे एक व्यक्ति हो। ये इतने संसाधन सरकार ने इस जो एक्ट है इसमें दिए हैं, ये देखने में अब आज ये इसकी असल ये जमीन पे क्या होना है उसको आप देखिए। इसमें एक तो सबसे बड़ी कमी तो जो नजर आ रही है वो ये है कि इसके अंदर अगर उसके जो खरीदार है जिसके पास भी पेन होल्डर कोई भी खरीद सकता कोई संस्था है, उसका और किसान का अगर आपस में डिस्प्यूट होता है तो उसको डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए SDM को पावर दिए गए, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कहता था, इसको सरकार को न्यायिक प्रणाली के नीचे लाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी इससे भी ज्यादा है, हमारे संधु साहब ने जो सवाल उठाया है ये एकदम जायज है और इसके ऊपर ही सारा ये एक्ट की सफलता और असफलता सारी इसी पे है। देखिए अगर हमें इंस्पेक्टरात से फुर्सत मिल गई, अगर हमें राहत मिल गई, उससे आड़ती से मिल गई, उसके AMPC के उससे मिल गई, तो अगर हमारा MSP फिक्स कर दिया जाता है तो हमें तो राहत ही राहत, हम तो किसान तो खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर राहत जो है ना वो MSP का प्रोविजन नहीं किया गया है, ये होना चाहिए, ये अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें। ये भी नहीं है कि MSP का नहीं है, अब एग्जाम्पल जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने दिया था ये बिल्कुल सही है, मुझे 100 क्विंटल एक किसान ने 100 क्विंटल अपना सामान बेचना है, 4 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, वो आपस में मैनिपुलेट करेंगे, वो 3 दिन नहीं खरीदेंगे, वो रोक नहीं सकता, वो आज मांग रहा है 3,000 रुपए, जो एक्ट के हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट में 3,000 का बिल लगा के बैठूंगा इसकी MSP, बट वो 2 दिन नहीं बिकेगा, 4 दिन नहीं बिकेगा, वो एक तीसरा आके बोलेगा तू 1200 ले ले, तू 1400 ले ले, तो इस तरह से किसान को एक्सप्लॉइट होना। हाँ,
ये व्यवस्था की जाए जो AMPL की है और MSP फिक्स की जाए कि जो चार आदमी वो अंबानी अंडानी तो ये तो खैर इनके विपक्ष वालों रटे पड़े वो कहाँ गए, वो तो दूसरे के धंधे में लगे होते। तो कहने का मतलब मेरा है कि जो भी ये संस्था है ना, जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है या जो भी एक संस्थाएं बड़ी हुई जिनके पास पैसा है, अब भी आड़ती के पास पैसा आड़ती गाँव में खरीद लेते हैं आधी आधी जमीन उसको वहीं से, तो वो जो संस्थाएं उनसे बचाने के लिए यही एक तरीका है कि भाई आप खरीदो, आज मैंने 3000 था, अगले दिन मैं मजबूर हूं 2000, कल 500 400 पा गया, उसके लिए MSP फिक्स करो कि आप जो ये जो संस्थाएं कोई भी आएगा उसको आप इतना जरूर दोगे, मिनिमम जरूर दोगे, सबसे बड़ी दूसरी ये चीज है। दूसरा इसको जो प्रोसेस है इसको जुडिशियल, उसमें दूसरा इसके बाद एक मैं इंटरनेशनल लेवल बताना चाहता हूँ अनामिका जी, ये क्या है कि जो ये षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ ये सदियों से होता है, जो ये जो षड्यंत्र है विदेशों में, अमेरिका यूरोपियन कंट्री में किसका, किसानों के ऊपर सात जो षड्यंत्र है MSP, अच्छा। मैं बता रहा हूँ एक मिनट, तो MSP का जो पंगा है ये बाहर देशों में भी बड़ा, लेकिन वो देश क्या समर्थ ने पढ़े लिखे वो इस बात को करके उसको इनको खेती को व्यवसायीकरण कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। और WTO जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा, इनकी प्रेशर का आप किसी तरह से MSP खत्म करो, क्योंकि MSP अगर खत्म होती है तो किसान को आप एक्सप्लोइट कर सकोगे, किसान एक्सप्लोइट होगा, किसान कमजोरी में आएगा, गरीबी में आएगा, किसान ने इसको छोड़ के दूसरा धंधा का, तो दूसरे जो बिजनेस है वो उद्योग धंधा उसके अंदर ये लोग मजदूर बनेंगे या इंजीनियर जो भी कुछ बनेंगे, लेकिन खेती को छोड़ के डाइवर्ट करना पूरे विश्व का एक षड्यंत्र है, तो उसके तहत ये कह रहे कांग्रेस, कांग्रेस के टाइम भी MSP को खत्म करने का प्रेशर बहुत पड़ा है, और MSP जितनी स्लो चल रही है आज के दिन जितने भी कम है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि WTO नहीं चाहता। दूसरा एक छोटा सा अगर MSP को हम देखें दूसरे एक छोटे परिवेश में, आप देखिए 1980 में 40 साल हो गए, 40 साल पहले किसान को 80 रुपए एक क्विंटल के बिकते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और आज उसका सिर्फ 20 या 22 गुना जो है ना उसको मल्टीप्लाई करें उतनी कीमत मिलती है, 1400 जो भी फिक्स करके MSP जो सरकारी है, जो बिल्कुल अथोराइज्ड है, वो कितने बड़ी 20-22%। और अगर एक टीचर को क्लास 3 के एम्प्लॉयज को देखे तो उसकी 200 से 250 गुना तक उसकी इनकम बढ़ी है, तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा मेरे किसान के साथ षड्यंत्र है। ये जो आज एक्ट है ये अपोजिशन पार्टी ठीक है करें, लेकिन उम्मीद करती हूँ बुलिया साहब आपने सभी को सुना होगा, लगातार ब्रेक की कमांड मिल रही है, नहीं तो मैं आपका जवाब ले लेती, मैं आपके पास आऊंगी संधू साहब, एक छोटे से ब्रेक के बाद अजय गुलिया के साथ लौटते हैं। तो किसानों के लिए केंद्र की तरफ से जो अध्यादेश आए उस पर घमासान क्यों, इसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुलिया साहब मैंने आपसे शुरुआत की, सबको सुना आपने, एक एक कर जवाब चाहूंगी। अजय गुलिया जी सभी का जवाब चाहूंगी मैं आपसे। हाँ, किसान के कानून वो लोग बनाएंगे जो लोग किसानी के बारे में जानते हैं। आज ये लोग बात कर रहे हैं धान की फसल के बारे में, जो सरकार ने निर्णय लिया था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बात को भूल गए क्या कि हरियाणा प्रदेश का एक किसान का बेटा जो आज हरियाणा प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो लोगों के बीच में गया और लोगों से पूछा कि आपके बीच में भ्रमक प्रचार किया जा रहा है, अगर सरकार आपको प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है लेकिन आपको किसी सरकार की खेती करने के लिए या धान की खेती करने के लिए आपको सरकार की तरफ से रोका नहीं जा रहा है, ये बात लोगों के बीच में क्लियर होगी थी कि नहीं होगी थी? बिल्कुल होगी, ऐसे ही क्लियर कर दीजिए ना कि MSP फिक्स होगी नहीं होगी, सरकार इस पर विचार कर रही है नहीं कर रही है। नहीं देखिए अनामिका जी, मैं कोई भी बात सिर्फ जल्दबाजी में ऐलान करने के लिए नहीं कह रही हूँ सर, ये तो मैं भी नहीं कह सकती ना, मैं आदेश थोड़ी ना दूंगी, मैं तो बस आपसे जानना चाह रही हूँ क्या इस तरह की कोई बात चल रही है कि किसानों ने जो विरोध किया इनकी बात को कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल किया जाएगा, या फिर MSP को फिक्स करने को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट सरकार के भीतर है क्या? हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ काम करने के लिए चुनी गई, और जो सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है उसकी प्राथमिकता यह है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
ये जो भाई मेरे बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते थे, हम स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि पेजेस में लागू किया और जितने पेजेस रिपोर्ट के लागू होंगे उतना ही बेनिफिट किसान को होगा। और लगातार हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस बात के लिए प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सके वो इस बात के लिए प्रयासरत है। इन लोगों ने मंडी के बारे में भी संशय भ्रम किसी की फैलाने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की मंडियों में और एक्स्ट्रा मंडियां बनाकर गुलिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद आतर सिंह साहब सुन लीजिए। हाँ। मेरे मित्र में एक चीज बता दो, स्वामीनाथन आयोग पे जो फेस में आप लोग जोड़ रहे हैं जरा क्या बताओ फेस में क्या चीज जोड़ा आपने? जो एक हमारा लास्ट जो पॉइंट था अगर हम मैं स्पष्ट कर दूं आपको, अब लेबर कोस्ट को जोड़ के देंगे उसका क्या हुआ? नहीं संधु साहब मैं स्पष्ट कर दूं जी, पहले लोग हैं जो सरकार में रहते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो फेजिस में लागू की गई है जितने फेजिस के लागू होंगे किसान को लाभ होगा। अरे फेजिस लोग होंगे कब लागू? एक भी तो नहीं हुआ। मुझे बताओ जो हमारा पॉइंट था भाई जो लेबर कॉस्ट है उसको 50% जोड़ के देंगे, अरे वो तुम्हारा एक पॉइंट था वो खड़ा खड़ा रह गया, तो जुड़ा कहाँ? वही तो जुड़वाना है जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय कृषि मंत्री जी ने और पूर्व अध्यक्ष ने जो दिल्ली चंडीगढ़ में नग्न प्रदर्शन किया था जिसके लिए बोला था पूरे 5 साल वो निकाल दिए 2 साल ये निकल गए। हम तो वही तो कह रहे हैं भाई हमारा वो चीज जोड़ दो जो लेबर कॉस्ट आपने जोड़ के देनी थी वो तो जुड़ देना, बाकी चीजों की पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 2 साल नहीं सरकार को सिर्फ अभी 9 महीने हुए। कोई बात नहीं, पिछले 5 साल स्पष्ट कर दूं कि 2 साल नहीं सरकार को अभी 9 महीने हुए। मैं ये बात इनके जवाब ले लूं संतोष साहब का फिर मैं आ रहा हूं। जोड़ देता हूं अगर आप उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो बात ही घुमा दी उसने आपने बात, वो जवाब नहीं मिला गुलिया साहब कुछ। तवर साहब भी ऐड कर रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए एक साथ जवाब दे दीजिए। अजय भाई मैं विनम्र निवेदन आपसे करूंगा, आप हरियाणा प्रदेश पे इस बात को लेके जा रहे हैं, हर बार आप हरियाणा की बात कर रहे हैं जबकि ये राष्ट्र के स्तर के अध्यादेश है और अभी तक भी आपने जिस विषय पे आज का ये डिबेट है उसके बारे में एक बार भी कुछ नहीं कहा कि अध्यादेश के बारे में आपकी आपकी पार्टी की क्या राय है, क्या किसानों के ये हक में है, क्या ये किसानों के विरोध में, आप सीधी बात का सीधा जवाब दें। गोलिया साहब देखिए मैं अगर ये अध्यादेश की टिपिकल अध्यादेश की बात कर रहे हैं तो अनामिका जी मैं इनको बता देता हूँ कि ये अध्यादेश है, मैं इनको पढ़ करके बता देता हूँ। आप अपनी राय अपनी पार्टी की राय बता दीजिए, हमें अध्यादेश मत पढ़ाइए, वो हम सब पढ़ के बैठे। आपने पढ़ा नहीं ना अमर साहब, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी है। मैं ऐसा है ये हरियाणा प्रदेश के किसानों को समझाओ उनको बताओ, अगर आप अपनी जगह इतने ही बेहतर हैं तो ये सारे अनेक प्रदेशों में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, आप इस बात का जवाब दें। आप अध्यादेश के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है जब से आप दूसरे विषयों में उलझे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी पार्टी का अध्यादेश के बारे में क्या कहती है? बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, अगर वो ये चाह रहे हैं कि एक सेकंड सर गुलिया साहब, अगर अगर तवर साहब ये चाह रहे बोल दीजिए आप फेवर में है या नहीं है तो आप बता दीजिए फेवर में है कि नहीं है। नहीं अनामिका जी मैं वही कह रहा हूँ, जलेबी बनाएंगे। कोई जलेबी नहीं है, जलेबी आप बना रहे हैं, आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। गुलिया साहब के बारे में बताने जा रहा था तो आपने ये कहा नहीं, अध्यादेश के बारे में सुनिए सर, अजय गुलिया साहब, अजय गुलिया आप मुझे तो सुनिए सर, गुलिया साहब क्या कर रहे हैं सर मुझे तो सुनिए। सोमवीर आर्या समझा चुके हैं अध्यादेश के बारे में कि किस तरह से उसमें क्या पॉइंट्स रखे गए हैं और कहां पर नुकसान है। सोमवीर आर्या जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये विश्लेषण है कि एमएसपी पर बात होनी चाहिए और सही मांग उठा रहे हैं किसान, जो यहां पर चाहे वो खटाना साहब हैं चाहे वो तवर साहब हैं वो बस ये जानना चाह रहे, खटाना और तवर साहब की मैं बात कर रही हूँ, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप यानी कि जेजेपी इस अध्यादेश का समर्थन करती है या नहीं। देखिए नामिका जी अभिष्का मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जरूर बात करूंगा, दोनों की बात का जवाब दूंगा। हाँ देखिए हमेशा से एक बात उठती रही थी, किसान को अपनी बात रखने का, अपनी जमीन अपनी फसल का अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज जब एक ऐसा अध्यादेश लाया जा रहा है जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से है कि किसान और थर्ड पार्टी जो खरीदार होगी
वो आपस में तय करे कि किसान अपनी चीज को कितने रुपए में बेचना चाहता है और वो पार्टी उसको कितने रुपए में लेना चाहती है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसान और उस थर्ड पार्टी के बीच में हो। तो आज लोग मुखापत्ति क्यों है, आज लोग मुखापत्ति क्यों है, क्यों नूरा पुष्टि है तवर साहब? स्वयं का मूल्य गुलिया जी एक सेकंड सुन लीजिए, सरकार की तरफ से ये सुन लीजिए एक बार, फिर जवाब दे देना इकट्ठे आज कि वो अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करे। अजय भाई मैं फसल के मूल्य पे ही आ रहा हूँ, एक बार आप बात सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि सरकार कम से कम एमएसपी तय करे और उसके बाद जिस डील की आप बात कर रहे हैं, जो भी क्रेता है, कोई भी विक्रेता है, उस आप सुन लीजिए ना पहले। अजय गुलिया जी सुन लीजिए, विषय ये है कि सरकार एक मिनिमम स्पॉट प्राइस तय करे, उसके ऊपर जो मर्जी डील करे, लेकिन वो कम से कम जो कीमत है वो जरूर होनी चाहिए। वो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य। अजय गुलिया जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप लोगों की न्यू, ये आप कह रहे हैं अजय गुलिया साहब कि सरकार की ये मंशा है, जो कि अभी तक ये चर्चा का विषय रहा है और सरकार से ये डिमांड रही है कि किसान अपना जो एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य है, वो खुद तय करे अपनी फसल का भाव। ठीक, आप इसलिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सेट करने की जरूरत पर सभी बल दे रहे हैं। मुझे जवाब देने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ सर। खटाना साहब भी कुछ ऐड कर रहे हैं, सुन लीजिए, नहीं तो फिर बीच में सवाल उठेगा, आपका जवाब रुकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं तंवर साहब और संधू साहब। खटाना साहब क्या ऐड करना है आपको? मेरे भाई ने कहा कि अभी सरकार को 9 महीने हुए, तो 9 महीने का कार्यकाल मेरे ख्याल से कोई थोड़ा समय नहीं होता। और जो मेरे भाई ने कहा कि एक किसान परिवार से, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से हैं, और जब सरकार में आपने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ खड़े होकर वोट मांगी और उसके बाद आप सरकार में मिले, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर इंसान को, हर किसान को, हर ग्रामीण इलाके को ये लगा कि शायद अब किसानों की बात सुनने वाला कोई आ गया है, क्योंकि बीजेपी तो कभी किसान की बात सुनी ही नहीं, ये तो शुरू से किसान विरोधी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ और पिछले 9 महीने के अंदर हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर जिस तरीके से आपने किसानों के साथ जो अत्याचारी सरकार में हुए, किसान भी आपसे अब नजरें मिलाने लायक नहीं रहा, उसको बिल्कुल 1% आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि जेजेपी हमारे बारे में कभी अच्छा सोच सकती है। और जो मेरे भाई बार बार बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, एक मिनट गुलिया साहब, आप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, जब किसान की फसल मंडियों में जाएगी, मैं कह रहा हूँ 2 रुपए किलो टमाटर तो बिक सकता है लेकिन 100 सस्ती नहीं होती, 2 रुपए किलो आलू बिक जाता है लेकिन चिप्स सस्ते नहीं होते, तो एमएसपी और एक न्यूनतम मूल्य, जब आप रातों रात नोटबंदी का समर्थन कर सकते हो, जीएसटी कर सकते हो, आपने एक बार भी, आज ये सरकार में मलाईदार सीट पर बैठे हैं, ये बीजेपी का ना तो विरोध कर सकते हैं ना उसके समर्थन में आ सकते हैं, क्योंकि किसान उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी समस्या है, आज इनकी मजबूरी है, क्योंकि जेजेपी विरोध नहीं कर सकती और साथ में खड़ी भी नहीं हो सकती किसानों के। आप भी बीजेपी की तरह किसान विरोधी सरकार में शामिल हो चुके हो सिर्फ अपनी मलाईदार सीट के लिए। गुलिया साहब जब आप आ रहे हो सर, गुलिया साहब के बाद आप ही के पास आ रहे हैं सर। गुलिया साहब, जब हमने चर्चा शुरू की थी तो मेरे साथी प्रवक्ता मनीष खटाना जी कांग्रेस के ये बात कह रहे थे, जब कोई व्यापारी अपना ग्लास बनाता है या कोई व्यापारी कोई लाइट बनाता है या कोई मोबाइल बनाता है, तो उसको अपनी वस्तु का मूल्य तय करने का उसको अधिकार है। ये अधिकार मेरे किसान भाई को क्यों नहीं हो, ये मांग इन्होंने उठाई। आज सरकार जब इस बात की पक्षधर है कि एक किसान को अपनी फसल का थर्ड पार्टी जो कि उसकी खरीदार होगी भविष्य में, उसके साथ बैठ करके ये तय करने का किसान को अधिकार सरकार देना चाहती है कि वो मूल्य तय करे अपनी फसल का, कि उसकी फसल का क्या मूल्य हो, तो विपक्ष के साथियों को आपत्ति क्या है? विपक्ष को तो सर पूछ लेंगे हम, संधू साहब क्या आपत्ति है? देखिए मेरा ये कहना अनामिका जी, देखिए सरकार का जो अगला प्लान है ना, मेरा ये कहना नहीं, इनके इस सवाल का जवाब दीजिए आप।
अगर आपको ये दिया जा रहा है अधिकार कि आप खुद फसल का मूल्य तय करें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो किसान एक फसल पैदा करता है वो फसल को रोक नहीं सकता। हाँ। ये नहीं भाई मैंने गेहूँ अगर 200 क्विंटल गेहूँ अपने घर नहीं रख सकता मैं। हाँ। मुझे मजबूरी बेचना, क्योंकि मेरे पास वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हाँ। या तो सरकार वेयर हाउस प्रोवाइड करे फ्री में हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने भाव से हम बेच लेंगे। सरकार ना बाहर से गेहूँ खरीदे ना इम्पोर्ट करे गेहूँ को, हमें जो वेयर हाउसेज और जो आपके कोल्ड स्टोरेज है वो सरकार फ्री प्रोवाइड करा दे, हम सरकार की बात से सहमत हैं। गुलिया साहब समझ गए आप कहाँ पेच फंस रहा है? अनामिका जी मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये ऑर्डिनेंस को ये नहीं चाहते कांग्रेस के साथी कि ऑर्डिनेंस को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ करके मैं इनके सामने रखूं, ताकि इनकी पोल खुल जाएगी। ऑर्डिनेंस में ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार क्या करना चाहती है किसानों के लिए। ये यही बात नहीं चाहते कि किसान इस बात को समझे कि सरकार उनकी पक्षधर है। नहीं नहीं तो आप बोल दीजिए ना, अगर अगर ये ऑर्डिनेंस में है कि आप वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज दे रहे हैं, आप बाहर से फसल नहीं लेंगे, तो कोई आपत्ति नहीं है किसानों को? अगर ये है, अगर ये देश में, तो आप पढ़ दीजिए, मैं मौका दे रही हूँ सर, पढ़ दीजिए। नहीं मैं तो आपके हाथ में, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ नामिका जी, इन हाउस सपोर्ट, इन हाउस सपोर्ट किसानों को मिलेगी सरकार की तरफ से, ताकि किसानों को कोई भी व्यापारी धनाढ्य वर्ग उनको ठग ना सके। ये जो सारी इनकी चिंताएं हैं, ये सिर्फ व्यर्थ है, ये सिर्फ टीवी चैनलों तक है। जब ऑर्डिनेंस की बात आ रही है सर, आ रही है सोमवीर, आ रहे सोमवीर आ रहे सर। देखिए अनामिका जी, इसके साथ साथ की बात आई तो ये लोग मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग किसान इस ऐसी हो सकते हैं क्या जो कहते हैं कि किसान 24 दिन का आलू उगाएगा, तो ये नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे होता है कि जमीन? चलिए ठीक है सुमीर, आ रहा है ठीक है सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। देखिए अनामिका जी, दो ऑर्डिनेंस और इसके साथ जो इसको भी इफेक्ट करते हैं, तो किसान को इस ये जो एक्ट की जिसकी हम बात कर ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, उसको वो दोनों भी इफेक्ट करते हैं। एक तो असल में कम्युनिटीज एक्ट है 1955 का, मिलावट अधिनियम और ये जो भंडारण कर लेते हैं ब्लैक में मार्केटिंग का, एक तो ये जो है ये 1955 का है वैसे एक्चुअल पार्लियामेंट का, लेकिन इसको लार्ज स्केल पर अमेंड किया है, और इसमें ये भी वही बात है, देखने में अच्छा लगता है, अगर इसको कंप्लायंस प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दे तो किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि आलू प्याज दाल तिलन तेल जो जैसे 5-7 जो आइटम्स थोड़े से टाइम से किसान रख सकता है, और जिसके पास किसान के पास वो जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और दूसरी उसकी आर्थिक स्थिति रोक नहीं सकती, उन पे इन्होंने जो जो जमा करता था वो रोक हटा दी है। ये इस एक्ट में जो कम्पलीट एक्ट जो किया है इन्होंने 195 का अमेंडमेंट किया है, उसमें ये कमी मुझे नजर आती है कि ये भंडारण जो है ये इस पे रोक नहीं रोकनी होनी चाहिए, इसको तुलते रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक इसके बाद जो दूसरा जो तीसरा जो ऑर्डिनेंस है, वो तीसरा ऑर्डिनेंस है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक कंपनी आएगी आपके पास 1,000 या 10,000 एकड़ जमीन खरीद लेगी, उसमें मजदूरों जो किसान को कहेगी आप अपनी सब जमीन दे दो, ये गुजरात में हुआ लाइक वो फेल और होगा, वो विड्रो होगा, तो उसमें क्या है कि किसान को कहेगा इतना। अब छोटा सा एक मैं स्केल बताऊं आपको, हमारे यहाँ चरखी दादरी हरियाणा ये जो शहर वगैरह है, यहाँ आजकल मूली का एक बीज दे के जाती है, और वो एक लीज टाइप ले लेते हो जमीन को, वो बीज दे के जाती है, और उसका रेट फिक्स होता है कि जब आप निकालोगे तो उस वक्त हम ये इस रेट में आपका लेंगे। ये जो स्कीम है इसका एक लार्ज स्केल जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है ये है, ये इसको सबसे पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जो मेन जो ऑर्डिनेंस है उसमें तो अगर एमएसपी फिक्स हो जाए और जब डिस्प्यूट होता है तो उसको थोड़ा सा ज्यूडिशियल प्रोसेस दे जाए, क्योंकि एसडीएम सबके दायरे में होता है, क्योंकि एक सेकंड बोल रहा हूँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ संधु साहब से और जो दूसरे जितने भी किसान नेता हैं कि देखिए अब आया ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में हमारे एमपीज भी हैं, आप भी हैं, पहले भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, किसान नेता भी हैं, ये सारे अपने पार्लियामेंटियन जो उनको ये समझाएं कि एक तो एमएसपी मस्ट कर दें, जरूरी करो जी फिक्स, उसके बगैर तो ये कुछ कोई नुकसान ही नुकसान, अगर एमएसपी फिक्स कर देते हैं तो चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह और उनकी सपना साकार हो जाएगा, एमएसपी फिक्स कर दे और इन्स्पेक्टर राज से हमारा पिंड छुटवा। आरिफ जी ने बिल्कुल सही कहा, अब ये इंडस्ट्री बन चुका है किसान, इसको इंडस्ट्री बनाएंगे, बड़े बड़े जो क्लस्टर बना के और क्लब बना करके जो उद्योगपति है वो किसानों को जमीन लेकर किसान करेगा मजदूरी। अब किसान की हालत देश में होने वाली, हमारा यही कहना है जो किसान अगर सरकार की ऐसी भावना है
तो सरकार की जो सरकार की सोच करके नीतियां बनाए सरकार, विधानसभा में ऐसा बिल लेकर के आए तो किसान इतेजी हो। और मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको, अब सरकार ने कहा 3 लाख रुपए जो किसान को 4 रुपए सैकड़ा पे ब्याज लोन देता था बैंक, अब उन्होंने सरकार ने कह दिया फ्री ले लो, उसमें इन्होंने ऐसा पेच फंसा दिया किसान ले नहीं सकता उसको। इन्होंने कहा भाई जो पोर्टल के हिसाब से उसको लोन मिलेगा, आपने पहले ब्याज भरना पड़ेगा, फिर बैंक आपको अगर सही टाइम पर आपने किस्त की तो रिफंड आएगा। तो किसान के साथ पहले भी 11-12% पे 4 रुपए सैकड़े के हिसाब से 12-13% लगता था। मैंने आपको बताया उसमें फोलियो चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, ऑडिट चार्ज के नाम पे बैंक जोड़ता था। अभी मैंने खुद बैंक में जाकर के बात की, बैंक बोला जी कुछ नहीं है सरकार, सरकार ने घोषणा की है और इसमें बहुत पेच है, आपको ऐसा लोन नहीं मिल सकता, आप कई और तरीके से जाना पड़ेगा आपको। तो सरकार कोई ऐसी सीधे किसान एक सीधी बात चाहता है, 1-2 का 4 चाहता है किसान, यानी 1-2 का 2 और 2 4 6 8 करने आदमी ने, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सीधी बात करो भैया ऐसा आपके लिए एक लोन लो, आप 3% पर आपको जो आप 4% पर लोन देते आपको फ्री कर दिया, 3 लाख रुपए जाओ बैंक में लोन दो, टाइम से उसको भरो। किसान के पास ये मामले नहीं है, किसान तो सीधा साधा है, ऐसी सीधी बात है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी 6 साल से और पिछले 9 महीने से जेजेपी, मेरे भाई प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि अध्यादेश मैंने पढ़ा है, मैंने अध्यादेश के बारे में है, जो संधू साहब बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस ही नहीं है ना, ये विपक्ष में है, ये तो किसान नेता है। और वो भी वही बात करें, किसान के अंदर इतना मादा नहीं होता कि किसान अपनी फसल को सबसे पहले तो रोक सके, उसके बाद हमारे हरियाणा में किसान इतना पूंजीपति नहीं है, किसानों के पास इतनी बड़ी जमीनें नहीं है। तीसरी बात, एक किसान जो आदमी खेती करता है आज की डेट में वो उसकी मजबूरी है, आप धरातल पर जाके देखो क्या हरियाणा का किसान जानबूझकर खेती करना चाहता है या वो नौकरी कर अपने बच्चों को अच्छा जीवन यापन करवाना चाहता है। किसान 6 महीने 8 महीने कितनी मेहनत करता है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, और उसके बाद जब मंडियों में जाता है तो उसकी फसल नहीं खरीदते। इन्होंने ऑनलाइन चालू करा, कितने किसानों को ऑनलाइन कितनी समस्याएं, उनको मैसेज नहीं आया, आप अपने घर पे इंतजार करो, कितने चक्कर काटे। ये बात एक सेकंड और लूंगा, ये बात कर रहे हैं कि स्टोरेज की, जब सरकार 6 साल के अंदर अपना खरीदा हुआ अनाज को स्टोर नहीं कर पाए तो हम क्या उम्मीद करें ये किसान से क्या हूँ पाएंगे। ये सरकार सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और जेजेपी की आज मजबूरी है कि बीजेपी का ना तो विरोध कर सकते हैं ना किसानों के अनामिका जी। जब बीजेपी विपक्ष में थी 2014 से पहले, ये पानी पी पी कर एफडीआई को कोसते थे, जिस प्रकार से अब चर्चा में बात आई क्लस्टर बनाने की, ये कहीं ना कहीं अघोषित तौर पे एफडीआई का समर्थन है जिसका इन्होंने पानी पी पी के कोसने का काम किया। दूसरी बात, एक इस बारे में जो हमारे देश की व्यवस्था है उसके बारे में आपने भी शायद सुना हो, उत्तम खेती मध्यम बाण नीच चाकरी कुकर निदान, कहने का भाव ये है कि जो व्यवस्था थी उसमें कृषि को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, व्यापार को बीच का और नौकरी को सबसे नीचे दर्जे का माना गया था। आज व्यवस्था बिल्कुल उल्टी हो गई है और ये चाहे जो मर्जी व्याख्यान करें, लेकिन असल बात यह है इस देश से किसान का नामो निशान ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मिटाना चाहते हैं और निसंदेह ये अध्यादेश वापस होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा सबको, अगर देश को किसान को बर्बाद किया तो किसान कांग्रेस ने किया, अगर कांग्रेस 70 सालों में किसान का हित लेती तो आप उनसे 2 तारीख को समर्थन भी मांग रहे हैं। नहीं, समर्थन का समर्थन देंगे देखो मैं हालात बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो बर्बाद किसान को किया ना, स्वामीनाथन आयोग की 10 साल अपने जेब में रिपोर्ट रखी ना लागू नहीं की, अगर ये लागू कर देते ना किसान के हालात में, पूरे 1 घंटे के डिबेट में तो आप खाली बीजेपी किसान तो कांग्रेस ने किया। कमेंट सर, फाइनल कमेंट, किसान भाइयों को कोई भरोसा दे रहे हैं क्या? देखिए अनामिका जी, सब लोग किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, आज जब सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, अपनी फसल का दाम किसान तय करे, उसको ये अधिकार दिए जाए, आज इनको आपत्ति हो रही है, इनको कोई आपत्ति नहीं है, विषय सिर्फ ये कि सरकार कम से कम न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य दे और उसके बाद डील हो, जो डील होनी है, आप काम की बात करो। उनकी जो की राजनीति पिछले आजादी के बाद में करके आए थे उसकी राजनीति पे किसान पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम। गुलिया साहब, 2 तारीख को, गुलिया साहब
उलिया साहब छोटा सा सवाल, 10 सेकंड का जवाब दो। तारीख को ये प्रदर्शन करने की बात कह दी है भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने, ठीक, ये हम प्रदर्शन देखेंगे या उससे पहले सरकार इनसे बात करेगी, कम से कम ये तो बता दीजिए। नहीं, सरकार इस बात की पक्षधर है कि किसानों से बात करके ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को किस प्रकार से पहुंचाया जाए, सरकार इस बात की पक्षधर है और बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, वक्त नहीं है और ज्यादा आगे बढ़ने की, नहीं तो हम इस डिबेट को और आगे बढ़ा सकते थे। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए, और इसी के साथ डिबेट में फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज, नमस्कार।